काशी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। वर्दी वाला का एक गुंडागर्दी तस्वीर सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि मधुबनी जिले के जयनगर थाना अध्यक्ष के पूरे इलाके के आम जनताओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है और वो एक सड़क छाप गुंडे की तरह कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिसके कंधे पर आम लोगों की सुरक्षा का जिम्मा हो और वो गुंडागर्दी करे तो समाज के लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, जयनगर थाने के थानेदार संजय कुमार सिंह की गुंडागर्दी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो कि एक बाइक सवार युवक को लात घुसा और मुक्के से पिटाई कर रहा है, जिसे लगता है कि वो थानेदार नहीं बल्कि एक वर्दी वाला गुंडा है जो एक बाइक सवार युवक को बेरहमी से लात घुसा और मुक्के से पिटाई कर रहा है। बताया जाता है कि बाइक सवार युवक सिर्फ रॉन्ग साइड से जा रहा था, इसलिए थानेदार संजय कुमार सिंह ने जबरन पकड़ बेरहमी से पिटाई कर दिया। बाइक सवार युवक शायद पड़ोसी देश नेपाल का रहने वाला था और जयनगर में अपने घरेलू सामान के लिए आया हुआ था। उसी दौरान बाइक सवार युवक रॉन्ग साइड से गुजर रहा था, तब उसके बाद थानेदार संजय कुमार सिंह की निगाहें पड़ी और फिर जबरन पकड़कर पिटाई कर दिया। हालांकि थानेदार के कारनामे से आम लोगों में गुस्सा फूट फूट कर भर पड़ा है। अब जरा देखिए कि जयनगर थाने के थानेदार संजय कुमार सिंह के कारनामे पर सवाल ही सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।